आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। और इस समय की बड़ी खबर जो है वो आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, अभी अभी जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हाईकोर्ट में गए हुए थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए हुए थे, जहां पर वो अपनी बेल को रिन्यू कराने के लिए पहुंचे थे। उसी बीच पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से उस पूरी कोर्ट को घेर लिया गया और उनके वकील के साथ भी मारपीट की गई है। और अब ये बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें जो हैं वो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार पाकिस्तान की मौजूदा सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का समर्थन ख़ासतौर पर उस इलाके में, जिस इलाके में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहते हैं, वहाँ पर जिस तरीके का समर्थन था उसको देखते हुए किसी भी तरीके का विद्रोह हो सकता था उस उनकी गिरफ्तारी के दौरान, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार लगातार उनकी गिरफ्तारी से बचती हुई नज़र आ रही थी। हालांकि घेराबंदी उस इलाके की कई बार की गई, लेकिन गिरफ्तार करने में कामयाब पाकिस्तान की सरकार नहीं हो पा रही थी। और जो इनके ऊपर केस है वो अल कादरी ट्रस्ट में एक कुछ घोटाला का मामला सामने आया था, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी जो पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उनकी तरफ से कई बार जो है मल्टीपल टाइम्स उनको समन्स दिए गए थे, लेकिन उन समन्स पर हाजिर नहीं हुए। उसके बाद गिरफ्तारी के आदेश जो है वो जारी किए गए थे, वारंट इनके खिलाफ निकला था, लेकिन जिस तरीके से जिस इलाके के अंदर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान छिपे हुए थे, जहाँ रुके हुए थे, वहां पर उनके घर के चारों तरफ उनके समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा जो है वो था। और जब भी पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर उन्हें अरेस्ट करने के लिए जाते थे तो पथराव शुरू हो जाता था, हो हंगामा शुरू हो जाता था, टकराव की स्थिति बन जाती थी। ऐसे में डर ये था कि कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की वजह से वहां पर कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बन जाए जिसमें लोगों की जान चली जाए, पुलिस को या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़े। तो उन सब चीजों से बचने के लिए फिलहाल उस गिरफ्तारी को टालते रहे। लेकिन आज जैसे ही पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो जैसे ही पहुंचते हैं इस्लामाबाद की हाईकोर्ट में अपनी बेल को रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि उसी बीच जब उनकी गिरफ्तारी का बातचीत चल रही थी तो हाईकोर्ट की तरफ से उनको बेल, कोर्ट की तरफ से बाकायदा उनको बेल दे दी गई थी, और उस बेल को अब रिन्यू कराने के लिए जैसे ही पहुंचे थे उसी दौरान रेंजर्स की तरफ से, पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया गया और शामनी में पूरी तरीके से वो एरिया तब्दील हो गया। और उसी के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना ये होगा कि इसका जो है वो लोगों की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो आती है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले काफ़ी समय से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जो पाकिस्तान की सरकार गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी जिसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे, उन्हें आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें जेके न्यूज़ टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।